हाँ तो निखिल, हाँ कैसे बता रहे हो पतंग उड़ाने को? तो मैं बताने जा रहा हूँ कैसे पतंग उड़ाता हूँ। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ। अरे बताओ ना, जैसे भी हो कैसे उड़ाते हो? बस ऐसे ऐसे लगाई पकड़ो। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर और ये पतंग उड़ा के दिखा रहा है, और ये इससे पतंग भी उड़ नहीं रही ठीक से। अरे पतंग फट ना जाए। नहीं, कैसी पतंग ली होगी, उड़ी नहीं रही है। हाँ उड़ा तो दिए, उड़ा। नहीं नहीं ठीक है, उड़ाओ तुम, उड़ाओ। कट गई, जल्दी बात। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। अरे यार सीन हो गया, पर अभी क्या कर रहा है, नीचे आ। तो गाइस पतंग कट गई, और नीचे आ, नीचे आ। कैसे टूट गई थी? अरे इसमें दीवार का जो होता है ना। हाँ। आप छत पे मेरी पतंग गिर गई है, मेरा मान जा। अरे यार मेरी छत पे कैसे गिर गई? अरे शेट यार, ये मेरी छत पे नहीं है, ये मेरे घर के ऊपर की छत है। क्या? हाँ। अरे यार इसके स्टूडियो की छत, वो मतलब रखा उसके। पता नहीं रखा है कि नहीं रखा है, ये मुझे नहीं पता। हाँ निकल गई। अरे यार जा कूद के जा। कहाँ से आती? तो गाइस यहाँ पतंग की चटनी निकल गई है। और कैसे, तो आज के ब्लॉग में तुमने पतंग को कैसे तोड़ा जाता है ये बताया। हाँ। ये गाइस आ रही है दूसरी पतंग। वाह वेल मेंटेन। मांझा इतना रेजर रखा हूँ काटने के लिए। हाँ मांझा। वाह यार मांझा तो काफी मस्त लग रहा है, बेहतरीन है। कितने का खरीदे थे इसको? मैं लिया था 200 रुपीज। 200 का। तो अभी इसे उड़ाओगे? अभी तो फिलहाल कोई पता नहीं हो रहे, बाकी अभी मैं उड़ाऊंगा कल। वो मकर संक्रांति वाले दिन उड़ाना ठीक, उस दिन का व्लॉग अच्छा रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 200 पतंग, 200, माय गॉड। हर साल मैं 200 पतंग लाता हूँ। बढ़िया है भाई, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान लगा दे तो अच्छी बात है। हाँ वो तो हो ही रहा है। कब होगा वो? इधर देख, इधर देख, प्यारी शर्मा गई, प्यारी समझ गई।